कोविड-19 और लॉकडाउन को सफलतापूर्वक अग्रसर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की मेहनत के बावजूद खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्रा जी और खागा कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह अपने पुलिस कर्मियों के साथ दिन रात मेहनत करते हुए कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए जरूरी कामों के लिए छूट देते हुए और अपने घरों में रहने के लिए हर गली मोहल्लों गांवों और रोडों में जाकर यही बताया कि कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए अपने घरों में रहना ही सबसे बड़ी दवा है और डॉक्टर लोग तो अपने घर परिवार त्याग कर बाहर से आए लोगों की जाँच करने और उनके लिए अपने जीवन की परवाह न कर जनता के सेवा में देर रात एक करने वाले ऐसे देश प्रेमियों का पुष्प वर्षा कर आभार जताया, जिसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, मयू गुप्ता, विनय गुप्ता, विद्यांशु केसरवानी, हिमालय वाश, विमलेश पांडे युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, बच्चा तिवारी मंडल महामंत्री लोगों ने स्वागत कर आभार व्यक्त करते हुए दीर्घायु की कामना किया। आइए सुने क्या कहा विमलेश पांडे ने। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन सुमित के सरवानी, अजय मौर्य की कवरेज, फतेहपुर से। यही ब्लीचिंग है, यही अमृत बना हुआ है। साथी लोग मिलकर पुष्प वर्षा की, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को, आप लोगों को क्या इससे क्या संदेश देना है? हम संदेश इससे देना कुछ नहीं चाहते। हमारे मन के विचार थे कि ये लोग भी जो है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हों या सुरक्षा कर्मी हों, और ये लोग भी जो है अपने परिवार को छोड़ करके, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके भी बहन होती हैं, इनके भी माँ बाप होते हैं, इनकी भी पत्नी है, और ये इन सारे लोगों को छोड़ करके हम लोगों की सेवार्थ है तो यहाँ पे जुटे हुए हैं। इनकी स्थिति तो ये होती है कि ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने से अपने बच्चों से मिल नहीं पाए। डॉक्टर घर जाते हैं और दूर से अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बाहर ही चाय पी करके घर वापस लौट जाते हैं, घर से वापस लौट जाते हैं। और देखे होंगे आप कि किसी के 3 साल का बच्चा है, नर्सें हैं, किसी के 3 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है। अभी एक डेथ हुई, वंदना तिवारी जो है डॉक्टर थी, 3 साल का उनका छोटा बच्चा है, वो पिछले 1.5 महीने से अपने परिवार से मिल नहीं पाई। और अभी एक और मामला था कि उनकी बच्ची थी, वो भी नर्स थी, वो हॉस्पिटल में थी, उनकी बच्ची थी 3 साल की, वो जो है खाना पानी छोड़ दी बिन माँ के, उसके बाद भी वो अपने बच्ची के पास नहीं गई। यही सब देख करके हमें जो है अंदर से आत्मा हमारी जो है कहती है कि वास्तविकता में ये इस समय के भगवान हैं ये लोग, और भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। हम इनको इस समय का भगवान मान के इनकी जो है पुष्प वर्षा करके अंतरात्मा से इनके मंगल कामनाओं के साथ, इनके परिवार की मंगल कामनाओं के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं, और ये इस समय अभिनंदन के पात्र हैं।